नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। दिल्ली के मुंडका में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां की एक इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब भी बिल्डिंग में 30 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो गया है। रेस्क्यू करने के लिए हमने 100 कर्मचारियों की एक टीम लगाई है। अभी फायर डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर सर्च अभियान चला रही है। आग लगने की घटना का जैसे ही पता चला था, दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। खबर के अनुसार बिल्डिंग में फंसे हुए 12 घायलों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुंडका इलाके में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वरुण गोयल और सतीश गोयल को दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं आग में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। शुक्रवार शाम 4:45 एक ऑफिस में आग लगने की घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन मुंडका में एक PCR कॉल आई। कॉल की सूचना पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने में लग गई। पुलिस अधिकारियों ने इमारत की खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।